कैसे सूखे और पीले मटर देखते देखते हरे हो जाते। तस्वीरें आपको चौंका देंगी, तस्वीरें गवाह है। परवल जिसे कि लोग बड़े शौक से खाते हैं, परवल की हकीकत जो आज आप हम आपको दिखाने वाले हैं, वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अपने घर आप परवल लाएं कि ना लाएं। और तरबूज का एक ऐसा सच जो शायद आपको तरबूज से नफरत कर दे। और सब्जियों के बाद हम आपको दिखाते हैं फलों की हकीकत। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे तरबूज की लाली का राज। सड़कों के किनारे या मंडी में बिकने वाला हर तरबूज आखिर लाल ही क्यों दिखता है? कभी आपने सवाल के बारे में गौर किया है, सोचा है? उसकी मिठास चीनी की तरह ही क्यों होती है? और आप भी इस हकीकत को अपनी आंखों से देखिए। लाल तरबूज को उसकी मिठास का जो काला सच आप देख सकते हैं, तरबूज में चीनी के घोल का इंजेक्शन लगाया जाता है, उसमें रंग मिलाया जाता है आर्टिफिशियल कलर। ये तरबूज की मिठास बढ़ाने के साथ साथ उसे लाल बना देता है। यह आर्टिफिशियल कलर एरोथ्रेसिन बी होता है, इससे इंजेक्शन के जरिए तरबूज में इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर तरबूज एकदम लाल दिखाई देने लगता है। ये कलर, ये केमिकल सेहत के लिए इतना खतरनाक है कि डॉक्टर्स बताते हैं इससे कैंसर होने का खतरा है। और अब जूस की हकीकत भी आप जान लीजिए, जो सुनकर आप फिर से ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जूस क्या पीकर वाकई आपकी सेहत बनेगी? फल का जूस जो है सिर्फ दिखावे के लिए होता है, छुपे कैमरे में अनार के जूस की हकीकत सामने आ गई। अनार का जूस लाल दिखे इसके लिए इसमें रंग मिलाया जाता है और ये इंडिया टीवी के कैमरे ने कैद किया। जूस पीने वालों की नजर बचाकर अनार में सिंथेटिक कलर डाला जाता है। और एक बार फिर आपको याद दिला दें, जिस कलर से कपड़े और कागज लाल किए जाते हैं उसी रंग का इस्तेमाल आपको लाल अनार का जूस देने में किया जाता है। छुपे हुए कैमरे ने जो सच कैद किया आप देख सकते हैं। सामने से आपको दिखाई नहीं देगा, आपको लाल जूस आता दिखाई देगा, लेकिन उसके पीछे का सच देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। और अब बात करते हैं मौसमी के जूस की, जो अमूमन डॉक्टर्स कहते हैं कि बीमार होने पर दिया जाता है, लेकिन उसकी हकीकत और भी चौंकाने वाली है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने जो देखा उसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जिन फलों से जूस निकाला जाता है उसमें पहले ही सैक्रीन और चीनी का घोल भर दिया जाता है। मौसमियों को रसभरा बनाया जाता है। इंजेक्शन के जरिए सैक्रीन की गोलियां आप देख सकते हैं डाली जा रही हैं पानी में। मौसमी को छेद करके इसमें भिगो के रख दिया जाता है, जिससे मौसमी भरी भरी लगती है और मीठी लगती है। और जो कमी पेशी रह जाती है उसे बड़े बड़े इंजेक्शन के जरिए मौसमी में सैक्रीन से भरा रस भर दिया जाता है। और इन मौसमियों से खूब मीठा जूस निकलता है। आप जूस समझ के पीते हैं, लेकिन वो होता है चीनी मिला पानी।